रहे हैं आप नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया, जहां एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दर्शकों। एक बार फिर हम करेंगे बात करेंगे हम यहां लोकसभा चुनाव की। गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे रवि किशन को लेकर समर्थन करते हुए बात करती नजर आए जब आम्रपाली दुबे, तो सवाल हुआ क्यों आखिर अब तक निरहुआ। जी हां, अपने को स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के समर्थन में इंस्टाग्राम पर एक भी पोस्ट आम्रपाली दुबे ने शेयर नहीं किया। जी हां, रवि किशन के साथ रोमांटिक लवी डबी फोटो शेयर करते हुए आम्रपाली ने उनका सपोर्ट तो किया, कर दिया उनके जीत को लेकर ऐलान, लेकिन निरहुआ को लेकर उन्होंने कोई भी ऐलान नहीं किया है। कैसे दशा में पाई गई हैं आम्रपाली दुबे निरहुआ से हटकर रवि किशन के साथ, आइए हम आपको हमारे स्पेशल रिपोर्ट में उससे रूबरू कराते हैं। आपको दिखाते हैं कैसे रवि किशन के सपोर्ट में आम्रपाली दुबे ने बड़ी खुशखबरी तो दी, लेकिन निरहुआ उनके साथ बिल्कुल भी नहीं थे। जी हाँ, निरहुआ नहीं थे उनके साथ। ऐसे में आम्रपाली दुबे का कहीं ना कहीं निरहुआ के साथ टूटा हुआ रिश्ता फिलहाल देखने को मिला है, लेकिन निरहुआ की जीत भी आम्रपाली के लिए एक बड़ी जीत होगी, ये सभी जानते हैं। लेकिन क्या है फिलहाल का मुद्दा? मुद्दा है रवि किशन की जीत को लेकर। गोरखपुर से जो भाजपा से खड़े हुए हैं लोकसभा के लिए, ये खबर थी। तो आप भी जानते हैं कैसे आम्रपाली ने उनका सपोर्ट किया और इस पर इंस्टाग्राम पर उन्होंने क्या क्या लिखा है, कैसे खुला ये बड़ा राज, आइए देखते हैं हमारे स्पेशल रिपोर्ट। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ ये तस्वीरें हैं जो कर रही हैं इशारा कि कैसे आम्रपाली दुबे ने निरहुआ का साथ छोड़ने के बाद खुद की मस्ती में कोई कमी नहीं होने दी। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये जो तस्वीर सामने आई है, हम उसी की बात कर रहे हैं। ये वो तस्वीर है जिसमें निरहुआ नहीं बल्कि रवि किशन के साथ नजर आ रही हैं आम्रपाली दुबे, जहां एक तरफ उनके को स्टार व्यस्त हैं अपनी चुनावी जंग में जबरदस्त भिड़ंत के साथ अखिलेश को पटकनी देने के लिए, वहीं दूसरी ही तरफ आजमगढ़ से भाजपा की उम्मीदवार निरहुआ की सपोर्ट में खड़ी होने के बजाय आम्रपाली दुबे रवि किशन के साथ मस्ती करती हुई नजर आई थी। देख सकते हैं आप कैसी है उनकी बॉन्डिंग। इससे पहले भी नजर आए थे दोनों साथ, लेकिन आम्रपाली दुबे का रवि किशन के साथ मस्ती करना, क्लोज बॉन्ड शेयर करना, ऐसे क्लोज तस्वीर क्लिक कर आने के साथ साथ अटकर उनके लिए प्यार भरी बातें लिखना वाकई में लाजवाब है। आम्रपाली ने ये पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, कॉन्ग्रेट्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट रवि किशन जी, सिर्फ गोरखपुर ही नहीं पूरा का पूरा पूर्वांचल और सारा भोजपुरिया समाज आपका है, हर हर महादेव। ऐसी बातें आम्रपाली दुबे के फैन पेज से, फैन क्लब से सामने आई है इंस्टाग्राम पर, जिसके बाद खुल गया ये राज कि आम्रपाली दुबे को रवि किशन के साथ देखकर यहाँ जनता समझ गई है कि गोरखपुर से रवि किशन के साथ जनता तो है, साथ साथ में यहाँ आम्रपाली दुबे को निरहुआ भी देख रहे होंगे, कैसे उनका साथ ना देकर वह ऐसे मस्ती कर रही हैं। लेकिन ये बात साफ साफ जाहिर होती है कि रवि किशन और आम्रपाली, जिनके बीच रिश्ता बेहद अनोखा है, उस रिश्ते का नया रूप सामने तब आया जब निरहुआ से आम्रपाली की दूरी बनी। आम्रपाली और निरहुआ के बीच का रिश्ता जो खूबसूरत है, उसके बीच रवि किशन है। जी हाँ, इस तरह की तस्वीर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें आप भी देख सकते हैं काफ़ी खुश है आम्रपाली। वैसे तो आम्रपाली दुबे ने रवि किशन के अलावा ना तो निरहुआ के लिए चुनाव प्रचार किया है, ना तो उनके लिए वोट अपील करने के लिए खुलकर फैंस के बीच सामने आई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग इस सोच में ज़रूर पड़ जाएंगे कि अब इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। तो आप सभी जानिए, आम्रपाली व्यस्त है अपने गाने की शूटिंग कंप्लीट करने के बाद, वो आगे की तैयारियां कर रही हैं, जिसकी वजह से वो लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी राय पूरी तरह से पेश नहीं कर पाई हैं। वल तो देखा आपने, आम्रपाली दुबे ने रवि किशन की जीत को लेकर उनकी हिम्मत को, उनके हौसले को बुलंद कर दिया अपने पोस्ट के जरिए, लेकिन निरहुआ को लेकर उन्होंने अब तक कोई पोस्ट नहीं किया है।
निरहुआ की जीत को लेकर आम्रपाली के पोस्ट का तो इंतजार रहेगा, उनकी तरफ से उनके एक प्यार भरे संदेश का इंतजार तो रहेगा, खासकर उनके इंस्टाग्राम फैंस को जो उन्हें हमेशा से देते आए हैं प्यार, खासकर उनकी जोड़ी को भोजपुरी इंडस्ट्री में पसंद करने वाले उन सभी प्रशंसकों को जिन्होंने हमेशा इनकी फिल्मों को दिया है प्यार। देखना होगा फिल्मों को प्यार देने वाले प्रशंसक क्या वाकई में निरहुआ को प्यार देते हैं जो आजमगढ़ से लड़ रहे हैं चुनाव लोकसभा के लिए बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में। सब देखना होगा आने वाले दिनों में। फिलहाल के लिए यहीं पर आपसे लेते हैं इजाजत, लौटेंगे इसी तरह तमाम बड़ी अपडेट्स के साथ। तो इसके लिए जुड़े रहे हमारे चैनल नेक्स्ट 9 भोजपुरिया के साथ, और हर अपडेट के साथ बने रहे इसके लिए हमारे चैनल का बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।